हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो फ्रेंड टीवी। और मेरा नाम है अमित। दोस्तों, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि उस बंदे को थायराइड हो गया है या उस लेडी को थायराइड हो गया है जिसकी वजह से उसका वेट लॉस हो जा रहा है या वेट गेन हो जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे साइंस क्या है? तो आज मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहता हूँ कि थायराइड होने के बाद आपका वेट लॉस या वेट गेन क्यों होता है, किस तरीके से होता है, क्या हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं जिससे हमारा वेट लॉस या वेट गेन हो जाता है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पे हम साइंस बेस्ड नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी, आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, थायराइड हार्मोन आपका मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि कितनी एनर्जी आपकी बॉडी यूज करती है। जब आप रेस्ट पोजीशन पे है या कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी किस रेट पे एनर्जी यूज करती है, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस थायराइड हार्मोन हो जाता है तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी बर्न करती है और जिसकी वजह से हाइपर थायराइडिज्म में आपका वेट लॉस हो जाता है। तो ये बहुत ही एक कॉमन सिम्टम है हाइपर थायराइडिज्म का। अब हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसको हम अंडर एक्टिव थायरॉयड बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी ज़्यादा थायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती है, जिसकी वजह से जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी ज़्यादा एनर्जी बर्न नहीं करती है और जिसकी वजह से हमारा कैलरी सरप्लस हो जाता है और हमें वेट गेन हो जाता है। तो आपको समझना होगा, हाइपर थायरॉयडिज्म में हमें वेट लॉस हो जाता है और हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारा वेट गेन हो जाता है। तो चाहे आप कितना अच्छा हेल्दी खाना खा रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं, अपनी कैलोरीज को ध्यान से नोट डाउन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई केसेस में अगर आपको थायराइड के इशू हैं तो भी आपको वेट लॉस और वेट गेन हो सकता है। तो आपको वो भी चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी अपने वेट लॉस या वेट गेन गोल्स के लिए। लेकिन साथ में एक बात और कहना चाहूँगा कि जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है वो सिर्फ थायराइड हार्मोन से इफेक्ट नहीं होता है, और भी काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपके अदर हॉर्मोन्स जो होते हैं, कितना आप खाना खाते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, तो और भी फैक्टर्स होते हैं जिससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट इफेक्ट होता है। तो सिर्फ थायराइड ही एक वजह नहीं होती, लेकिन हाँ, एक वजह ये भी हो सकती है जिससे आपका वेट लॉस और वेट गेन जो भी आपके गोल्स है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको कि कुछ केसेस में हाइपर थायरॉयडिज्म में भी आपका वेट गेन हो सकता है, वो केसेस मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है हाइपर थायरॉयडिज्म में, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख लग सकती है और जिसकी वजह से आप ज़्यादा कैलरीज कंज्यूम कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो सकता है हाइपर थायरॉयडिज्म में भी। उसके अलावा अगर आपने हाइपर थायरॉयडिज्म की कोई ट्रीटमेंट ली है और उसकी वजह से भी आपका वेट गेन हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी नॉर्मल स्टेट में वापस आ गई है, तो एक कारण वो भी बन सकता है जिससे आपका वेट गेन हो सकता है। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि थायराइड इशू एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग अपने वेट लॉस या वेट गेन नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर चेक करवाना चाहिए कि आपके थायराइड हार्मोन क्या नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, क्योंकि अगर आप कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हैं, आप वेट लॉस शुरू करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, तो अगर आप फॉलो करते हैं, सभी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, आप कैलरीज इन कैलरीज आउट, आप डाइट अच्छी लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका थायराइड हार्मोन में कोई इशू है, एबनॉर्मल है आपका थायराइड हार्मोन, तो आपके जो गोल्स है ये हैम्पर हो सकते हैं और काफ़ी इफेक्ट डाल सकते हैं आपकी सारी मेहनत पे। तो हमेशा पहले अपने थायराइड हार्मोन को चेक करवाएं और फिर ही अपने जो भी आपका एक गोल्स हैं उसको स्टार्ट करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड या इन जनरल आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, वहाँ भी आप मैसेज करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम यूनिक कंटेंट शेयर करते हैं जो यहाँ यूट्यूब पे नहीं करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी अगर हम वहाँ भी आप फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।